भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की T20 श्रृंखला का आगाज 10 दिसंबर से यानी कि कल से होने वाला है। लेकिन इस श्रृंखला से पहले बड़ा झटका लग चुका है। अगर हम बात करें तो दोनों टीमों ने अपने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, लेकिन ठीक एक दिन पहले बड़ा और खूंखार तेज गेंदबाज चोट के कारण पूरे के पूरे श्रृंखला से बाहर हो गया है। यानी कि सिर्फ एक मुकाबले के लिए झटका नहीं लगा है, दो मुकाबले के लिए झटका नहीं लगा है, बल्कि तीन के तीनों मुकाबले से वो गेंदबाज बाहर हो चुका है। और जो होस्ट टीम है यानी कि साउथ अफ्रीकन टीम, उनके लिए बड़ा सेटबैक है। क्योंकि वर्ल्ड कप के दृष्टिकोण से बात करें तो ये टूर्नामेंट एक तरीके से दोनों ही, ये जो बायलेटरल श्रृंखला है, दोनों ही टीमों के लिए अपने खिलाड़ियों को टेस्ट करने का सबसे बड़ा मंच था। लेकिन यहां पर सबसे बेहतरीन, सबसे विध्वंसक गेंदबाज साउथ अफ्रीकन टीम का बाहर हो चुका है और नए स्क्वाड का ऐलान भी हो चुका है। तो अपने इस रिपोर्ट में हम यही देखने वाले हैं कि वो कौन सा गेंदबाज है जो बाहर हो चुका है, साउथ अफ्रीका को क्यों बड़ा झटका लगा है, उसके बाहर होने के कारण क्या कारण है उनका इस श्रृंखला से बाहर होने का, और वहीं उनके जगह किस गेंदबाज को रिप्लेसमेंट के तौर पे अनाउंसमेंट किया गया, और पूरे श्रृंखला का हम शेड्यूल भी जानेंगे। तो बहुत ज्यादा आपका समय न लेते हुए अगर हम बात करें उस गेंदबाज की, तो उनका नाम है लुंगी एंगिजी। आपको पता है कि इस T20 श्रृंखला में साउथ अफ्रीकन टीम की जो गेंदबाजी विभाग है वो कमजोर है, क्योंकि वहां पर आपको रबाडा नहीं दिखेंगे, उनको टेस्ट श्रृंखला के लिए आराम दिया गया है, वहां पर एनरिक नॉर्किया नहीं दिखेंगे, चोट के कारण वो पूरे के पूरे इस टूर से ही बाहर है। चाहे ओडीआई श्रृंखला बात कर लें, चाहे टेस्ट श्रृंखला बात कर लें, या फिर T20 श्रृंखला की बात कर लें, अभी भी वो चोट से उबर रहे हैं, जिस कारण ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 उन्होंने नहीं खेला था। तो अब नया और बड़ा सेटबैक लग गया है जो इस श्रृंखला के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज थे साउथ अफ्रीकन टीम के, लुंगी एंगिजी, वो तीन के तीनों मुकाबले से बाहर हो गए चोट के कारण। टखने में चोट लगी जिस कारण वो बाहर हो चुके, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया इस श्रृंखला से, और वो रिहैब करेंगे, अभी रिहैब करेंगे, काफी लंबा समय लगेगा ठीक होने में, जिस कारण से एहतियात के तौर पे सिर्फ एक मुकाबले से नहीं, दो मुकाबले से नहीं, बल्कि तीन के तीनों मुकाबले से क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने उनको बाहर कर दिया है, उनके जगह रिप्लेसमेंट का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। तो आइए देख लेते हैं कि क्या नया साउथ अफ्रीकन टीम है और रिप्लेसमेंट किसको, रिप्लेसमेंट का अनाउंसमेंट कौन है, मतलब किस गेंदबाज को उनकी जगह रिप्लेस किया गया। अगर हम उस गेंदबाज की बात करें जो जोड़ा गया है लुंगी एंगिजी की जगह, वो है ब्यूरान हेंड्रिक्स, ये नाम है। अब आपको पूरा का पूरा स्क्वाड एक बार बता देते हैं साउथ अफ्रीकन टीम का, ये भी गेंदबाज है, 33 वर्षीय गेंदबाज है, काफी अच्छा खासा अनुभव है साउथ अफ्रीकन टीम से खेलने के लिए। लेकिन वो जो लुंगी एंगिजी के पास अनुभव है, जो कला है विकेट लेने का, वो कला इनके पास नहीं है। तो थोड़ा सा जो गेंदबाजी विभाग है वो बिल्कुल ही कमजोर हो गया, नया हो गया है, और यहां पर इस गेंदबाजी विभाग में मार्को यांसन के ऊपर काफी निर्भरता हो गई। या ये बल्लेबाजों की सूची की बात कर लेते हैं तो वहां पे आपको मैथ्यू ब्रिज के, रिजा हेंड्रिक्स, हेनरिक क्लासन, डेविड मिलर, क्रिस्टियन स्टप्स दिखेंगे। अगर हम हरफन मौला खिलाड़ियों की सूची की बात करें तो वहां पर एडन मार्करम कप्तान, फिरारे, मार्को यांसन पहले दो T20 मुकाबले के लिए उपलब्ध होंगे, एंडली फेलिकाविओ। फिर उसके बाद गेंदबाजों की सूची की बात करें तो बार्टमैन, बर्जर, गेराल्ड क्वेड, जे केशव महाराज, ब्यूरान हेंड्रिक्स, ताब्रेज सामसी, लिजार्ड विलियम्स। तो आप देख सकते हैं कि लुंगी एंगिजी काफी अनुभव ला रहे थे इस तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट में, लेकिन अब उनके बाहर जाने के कारण बिल्कुल ही कमजोर हो गई है, बिल्कुल ही नहीं दिख रही है, जहां पर निर्भरता मार्को यांसन के ऊपर हो गया। एंडली फेलिकाविओ खेले थे, वो भी अनुभवी गेंदबाज है, लेकिन वो पैनापन जो लुंगी एंगिजी लाते, वो पैनापन फेलिकाविओ नहीं ला पाएंगे, और बिल्कुल बिल्कुल नई टीम है। क्वेडजे के पास जरूर अनुभव है, लेकिन T20 में ये कैसा खेलेंगे ये किसी को पता नहीं, कैसी गेंदबाजी करेंगे, तो बिल्कुल ही नई टीम है। अब बात ही टीम के स्क्वाड पर एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि भैया मुकाबला तो भारत से, यहां पर क्या कोई तब्दीलियां हुई है, तो बिल्कुल तब्दीलियां नहीं हुई है। दीपक चहर जरूर अभी साउथ अफ्रीका नहीं पहुंचे हैं, जिस कारण नहीं खेलेंगे, लेकिन इनके रिप्लेसमेंट के तौर पे किसी का भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। तो एक निगाह देख लेते हैं, सूर्य कुमार यादव कप्तान, ईशान किशन, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, श्रेयस अय्यर, जितेश शर्मा, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई, अर्षदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार, दीपक चहर। दीपक चहर अभी साउथ अफ्रीका नहीं पहुंचे हैं, और
इनके जगह किसी भी रिप्लेसमेंट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अब शेड्यूल पर नजर डालते हैं, आपका ज्यादा समय नहीं लेते हैं। पहला टी20 मुकाबला डरबन 10 दिसंबर को 7:30 बजे, ये टाइमिंग नोट कर लीजिएगा, भारतीय समय अनुसार है 7:30 बजे रात को। दूसरा टी20 मुकाबला गाके बरहा 7:30 बजे 12 दिसंबर को, और तीसरा जोहान्सबर्ग 14 दिसंबर 7:30 बजे खेला जाएगा। तो ये पूरी रिपोर्ट थी। लुंगी एंगिडी बाहर हो चुके हैं चोट के कारण, उनके जगह ब्यूरान हेंड्रिक्स को इस स्क्वाड में जोड़ा गया बतौर रिप्लेसमेंट, लेकिन एंगिडी के बाहर जाने के कारण साउथ अफ्रीकन टीम की जो पेस बैटरी है वो बिल्कुल कमजोर हो गई है, मार्को यांसन के ऊपर काफी निर्भरता हो गई है। क्वेटजे के पास अभी उतना अच्छा खासा अनुभव नहीं है टी20 क्रिकेट में बॉलिंग करने का, वहीं एंडलू फेलिकॉब्यो जरूर थोड़ी सी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही, आप सभी अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय हिंद जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।